Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update. राजस्थान में इस समय जो सरकार काम कर रही है 10 महीने में हर तबका निराश हो चुका है. किसानों से तो कहा कि पूरा कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया. बेरोजगारों से कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे. जैसे राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं इतनी बदतर है कि पहले किसी जमाने में लोग कहते थे बिहार और यूपी में कानून व्यवस्था गड़बड़ है. आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि प्रदेश जो 10 ऐसे प्रदेश है जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उनमें राजस्थान है. तो निश्चित रूप से इसके यदि कोई दोषी हैं तो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान सरकार के मुखिया हैं जिनके पास गृह मंत्री का पद है. मुझे लगता है कि बिल्कुल सरकार के पास वक्त नहीं है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था को, राजस्थान के ठप हुए विकास को चालू करने का, क्योंकि उनको दिल्ली दरबार में हाजिरी से फुर्सत नहीं है. मुझे लगता है कि एक बड़ा अहित राजस्थान का हो रहा है. हमारा पूरा संकल्प है, कोशिश है कि उपचुनाव में भी और निकाय चुनाव में फिर पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस कुराज के सामने मतदान करेगी, भारतीय जनता पार्टी के दमदार तरीके से वापसी करवाएगी. मैं आपको भरोसा देता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी नीतियों से किसी गरीब के घर पे छत हुई, किसी महिला को उज्ज्वला मिली, इसी तरीके से फेरिश हुई और 370 हटाकर इस देश के स्वाभिमान को ऊंचा किया और समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया. ऐसी पार्टी ऐसी और अभी इस देश में मंदी थी लेकिन उस मंदी का भी उपाय कर दिया प्रधानमंत्री जी ने. और मुझे आने वाले में पूरा भरोसा है कि 2022 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा. ये संकल्प और भरोसा उन्होंने दिया है. हम सब लोग मिलकर केवल नारों के नहीं सरोकारों का काम करें. उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कही है, स्वच्छता की बात कही है, सबका साथ और सबके विकास की बात कही है. तो मुझे लगता है कि राजनीति के अलावा समाज नीति के तौर पर मजबूती से आगे बढ़े उसमें आप सबका सहयोग चाहिए. मैं आपका भाई बेटा, मेरी लेखनी और मेरी जुबान जब तक चलेगी आपके हक और हित के लिए चलेगी. भरोसा विश्वास आपको देता हूँ. बहुत बहुत प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट.